अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। आज की वीडियो जावास्क्रिप्ट पर एक क्रैश कोर्स है जिसमें कि हम एक टू डू ऐप बनाएंगे जिसमें फ्रंट एंड हम बूटस्ट्रैप 5 को यूज करते हुए बनाएंगे। आप पर्सनली HTML5, CSS, SAS, टेलविन CSS जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। हम टाइम को सेव करने के लिए बूटस्ट्रैप 5 को यूज करते हुए ऐप का फ्रंट एंड बनाएंगे और मिनिमल सा ऐप का फ्रंट एंड होगा। और मेन जो बात होगी, जो आज की वीडियो मेन जिसके ऊपर है, वो है जावास्क्रिप्ट के साथ डोम मैनिपुलेशन को हैंडल करना, कि क्लिक इवेंट्स को हैंडल करना, डाटा जो एंटर किया है यूजर ने उसको हैंडल करना, और उसके अलावा उस डाटा को, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस वीडियो में, वो है डाटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना, ताकि जब पेज यूजर रिफ्रेश करे तो सारा डाटा सेव रहे, हम ऑन पेज रिफ्रेश पे डाटा को डिस्प्ले करवा सकें और वो सारा काम कर सकें। इस वीडियो के लिए अज्यूम किया जाएगा कि आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज है, जिसमें कि वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप, अरे, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। और मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ उनको यूज करके दिखा के, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर किस तरह बनाना चाहिए प्रोजेक्ट का। ऑब्वियसली हम सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ही यूज करेंगे, जेक्यूरी को यूज नहीं करेंगे, अल्पाइन जीएस को यूज नहीं करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट को, किसी भी और चीज को यूज नहीं करेंगे। हमारी सिंपल सी बेसिक सी 2 से 3 फाइलें होंगी, HTML की, CSS अगर जरूरत हुई, और जावास्क्रिप्ट की, दैट्स इट। और इसको यूज करते हुए हम अपनी ऐप को कंप्लीट करेंगे, जो कि टू डू ऐप होगी। होपफुली आप भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे जिस तरह के मैं हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन कर लूंगा, और मैंने एक वीडियो पहले ही इस चीज पे बना के रखी हुई है कि आपको लोकली अपने फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह रखना चाहिए, फाइल्स का नाम किस तरह रखना चाहिए, और अपने वर्क को लोकली ऑर्गेनाइज किस तरह करना चाहिए। तो वो वीडियो आप यूट्यूब पे जाके जायोंस के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। मैं इस फाइल पे अभी वापस आऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली मैंने डिटेल ऐड की हुई है कि आज की वीडियो में हम जो चीजें उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ उस वीडियो का आपको बता दूं, फाइल्स आप लिख के सर्च करेंगे, होपफुली आपके पास आ जाना चाहिए दिस वन, ऑर्गेनाइजिंग योर डाटा। ओके, और इसके अलावा एक और होगा जिसमें कि फाइल नेम ETC होगा, उसको आप देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह आपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अपना डाटा दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेनली वर्क फोल्डर एक बनाया हुआ है, उसमें यहाँ पर जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करता हूँ वो सारे ऐड हो जाते हैं। मेनली जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पे हम काम करने लगे हैं उसमें आ जाएंगे, और आज की वीडियो में हम काम कर रहे हैं जायोंस के यूट्यूब चैनल पे, हम उसमें आ जाएंगे। और इसमें हम एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, जिसको सबसे पहले प्रोजेक्ट या फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एक नंबर पैटर्न को यूज किया, 01, 02, 03, ताकि जो प्रोजेक्ट फोल्डर जहां पे एक दफा ऐड कर दो वहीं पे रहे, अदरवाइज वो अल्फाबेटिकली जब सॉर्ट होगा तो आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे JS, क्रैश कोर्स, टू डू ऐप, V1, ये हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम होगा। इसको मैं यहाँ पर टर्मिनल में ओपन कर लूंगा, और VS कोड हम आज की वीडियो में यूज करेंगे अपने कोडिंग को सेटअप करने के लिए। VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, इस पे वीडियो पहले ही बनी हुई है। आप यहाँ पे आके VS कोड को सर्च करेंगे, होपफुली आपको वो मिल जाएगी। कौन सी एक्सटेंशन यूज करनी है, कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ मैंने वहां पे बताया हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अभी से VS कोड में ओपन कर लूंगा, कोड डॉट लिख के आप इसको क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज कर लूंगा। अब जैसे मैंने कहा था स्टार्ट में, हम सिर्फ अभी दो फाइलें बनाएंगे जो एब्सोल्युटली नीडेड है। सबसे पहले HTML की फाइल, और इसमें मैं HTML को स्टार्टअप कर लूंगा, और टू डू ऐप यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और इसमें मैं कह दूंगा हेलो वर्ल्ड स्टार्टिंग टेक्स्ट। साथ में ही हम एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लेंगे .js, आप इसको app.js भी नाम दे सकते हैं, वो भी एक कन्वेंशन है स्क्रिप्ट, और इसे मैं सोर्स के साथ इसमें ऐड कर दूंगा। जो मॉड्यूल है उस पार्ट को हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंसोल लॉग लगा लूंगा वर्किंग, इससे हम ओपन करेंगे ब्राउजर में अभी बात,
और दैट्स इट। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक सा सेटअप है, मैं कोई पैकेज नहीं यूज कर रहा, कोई प्लग इन नहीं यूज कर रहा, कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं यूज कर रहा, गो लाइव ईटीसी कुछ नहीं है, मिनिमम सा सेटअप है। मेन चीज हम जो इसमें कवर कर रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जावास्क्रिप्ट है कि लॉजिक लिखते कैसे हैं, क्या नाम रखने चाहिए वेरिएबल्स के, फंक्शंस के क्या नाम रखने चाहिए, फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे एक्सेप्ट करने चाहिए, उनसे काम कैसे करना चाहिए, मेनली लोकल स्टोरेज के साथ कैसे काम करना चाहिए और पूरी एक ऐप को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये चीज हमारी मेन है। आज की वीडियो में मेनली हम सारा जो लॉजिक है वो एक ही फाइल में लिख रहे होंगे। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने जो कोड है उसको बेसिकली मल्टीपल फाइल्स में सेपरेट कैसे करते हैं ताकि और ज्यादा आपका कोड जो है वो बेहतर हो जाए। आज की वीडियो में हम एक ही फाइल को फॉलो कर रहे होंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट जो बेसिक स्टार्टिंग सेटअप था वो हो गया। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे और अपनी ऐप की बेसिक सी यूआई बनाएंगे। बूटस्ट्रैप 5 को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउजर में आऊंगा और बूटस्ट्रैप 5 लिख के सर्च कर लूंगा। आप 4 यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, जिसके साथ आप फेमिलियर हैं वो चीज आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज यूज करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर इसकी CSS आ जाएगी और साथ ही इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो भी आ जाएगी और वो चीज मैं यहाँ पर बॉटम में ऐड कर दूंगा। दैट्स इट। और यहाँ पे हम किसी एक एलिमेंट को यहाँ से उठा के लगा लेंगे ताकि देख सकें कि ये इफेक्ट कर रहा है सही तरह के नहीं कर रहा। और यहाँ पे अब सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है देखने का वो ये है कि जब भी हम काम कर रहे होंगे, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कमेंट्स ऐड करें। ये सेक्शन किसके रिलेटेड है, लेट्स से ये ऐड टू डू आइटम फॉर्म, ये सेक्शन यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया है। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं सेव करता हूँ अपनी फाइल को, जैसे कि इस तरह है, मैं सेव करता हूँ या फिर जो मेरी हैबिट है मैं ऑटो फॉर्मेट की शॉर्टकट को यूज करता हूँ तो ये फॉर्मेट हो जाता है। ये बेसिकली मैंने प्रीटियर एक्सटेंशन की हुई है। वंस अगेन ये जो इम्पोर्टेंट VS कोड की एक्सटेंशन है उसको मैंने ज़ायंस के YouTube चैनल पर बताया हुआ है, जिनमें कि प्रीटियर आ जाती है और भी कुछ एक्सटेंशन हैं, तो उनको आप करके अपने VS कोड को सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैं इसे सेव करता हूँ और इस फाइल को यहाँ पे ब्राउजर में आके रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी बेसिक सी UI ऑब्वियसली हमारे पास आ गई है। अब हम इससे UI को कंटिन्यू करेंगे और फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको सिर्फ इसको गो थ्रू करा लूँ, ये जो फाइल है, ताकि आप देख लें। ये बेसिकली इसमें मैंने बताया हुआ, ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये डिटेल फाइल है कि हम UI को बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 के साथ यूज कर के बनाएंगे और मेन फोकस हमारा जावास्क्रिप्ट से होगा, जिसमें कि मेमोरी के साथ हम उस डाटा को स्टोर करवाएंगे लोकल स्टोरेज के साथ और बाकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मैं अब इस UI को फाइनलाइज करवाऊंगा, जिसमें कि मुझे एक लिस्ट चाहिए, लिस्ट आइटम, उसे बेसिकली मैं यहाँ से देख लूंगा कंपोनेंट्स लिस्ट ग्रुप और इसको हम टू डूज को शो करने के लिए यूज कर लेंगे और इसको मैं बॉटम में ले जाऊंगा स्क्रिप्ट्स सेक्शन और उसके बाद इस सारी चीज को मैं एक डिव में ऐड कर दूंगा क्लास ऐप कंटेंट, ताकि मेरी सारी ऐप एक डिव में हो और उसको मैं जब क्लोज करूं तो वो सारा क्लोज हो जाए, ऐप कंटेंट। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा फॉर्म है तो इसको मैं एक और डिव में रैप कर दूंगा। आपकी चीजें स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जितनी स्ट्रक्चर होंगी उतना बेहतर है। क्लास ऐड टू डू आइटम फॉर्म, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट डिस्प्ले टू डूज लिस्ट और ये मैंने इसके लिए यूज कर लिया। सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और ये हमारे पास लिस्ट आ गई। इसके ऊपर एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं, उससे पहले इसको मैं डिव में रैप कर लूंगा और इसे क्लास दे दूंगा टू डूज लिस्ट और इसे मैं एक हेडिंग दे दूंगा H2। मेन एक हेडिंग हम इसे दे देंगे
H1 जो कि हो जाएगा टू डू ऐप, और इसका टेक्स्ट हम सेंटर लाइन कर लेंगे, टेक्स्ट सेंटर। वंस अगेन ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ये वाली बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है लेकिन ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए वो क्या चीज है क्या नहीं। अभी करंटली हमारे ज़ायंस के चैनल पे बूटस्ट्रैप का प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में उसके ऊपर भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसको देखते हुए आप बूटस्ट्रैप को भी सीख सकेंगे। बूटस्ट्रैप काफी सिंपल एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है जिसमें के यूआई को ज्यादा कवर किया गया है, एचटीएमएल सीएसएस को आपके लिए काफी ज्यादा यूटिलिटी क्लासेस हैं ताकि आपको खुद सारा काम ना करना पड़े। इसको एक क्लास में दूंगा कंटेनर की, और कंटेनर की क्लास सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इसको 80% कंटेनर में ला के लेफ्ट राइट मार्जिन दे देती है ऑटो। यहाँ पे मैं H2 में कह दूंगा टू डूस लिस्ट, ओके, और यहाँ पे ऊपर मैं कह दूंगा H2 ऐड टू डू, देयर यू, ओके। और इसके साथ ही यहाँ पे बेसिकली ये जो एडिट और डिलीट वाला काम है वो हम बाद में जाएंगे, अभी के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर एक सिर्फ और काम करूंगा, इसको कमेंट आउट करूंगा। ये तब हम शो करवा रहे होंगे जब टू डूज होंगे, कम से कम एक टू डू होगा, और उसके अलावा एक चीज मुझे और शो करवानी है जब कोई भी टू डू नहीं होगा, और इस चीज को आप इग्नोर करिएगा दो मिनट के लिए। ये डिप बेसिकली हम तब शो करवाएंगे जब हमारे पास कोई भी टू डू आइटम्स नहीं होंगे, नो टू डू आइटम एडिट येट एट सम, ब्राउजर में आके रिफ्रेश करके देख लेंगे, और ये तब हम शो करवाएंगे जब हमारे पास कोई टू डू आइटम नहीं होगा। यहाँ पे अब टू डू आइटम के लिए अभी के लिए हम इस चीज को सिंपल रखने के लिए, क्योंकि हम इसको जितना चाहे मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन करंटली इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक टू डू आइटम कॉन्टेंट, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में उसका नाम दे दूंगा टू डू कॉन्टेंट। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टू डू कॉन्टेंट की फील्ड होगी, इसमें आप अपना जो भी कॉन्टेंट ऐड करना होगा वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे अभी दो बटन ऐड करूंगा, एक सबमिट का और एक रीसेट का। सबमिट के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी कॉन्टेंट होगा, हम अगर उसमें कोई कॉन्टेंट होगा तो हम एक टू डू आइटम उस कॉन्टेंट के साथ ऐड कर देंगे, अगर कोई कॉन्टेंट नहीं होगा तो हम एक अलर्ट शो करवा देंगे कि प्लीज ऐड सम कॉन्टेंट टू क्रिएट अ टू डू, और रीसेट के बटन पे क्लिक करने पे ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा। फॉर्म की क्योंकि बात की है तो सबसे पहले हम इसे एक फॉर्म के एलिमेंट में रैप कर देंगे, और इस चीज को इसमें शिफ्ट कर देंगे, और इसे क्लास दे देंगे फॉर्म की। रिफ्रेश, विजुअली कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन अब ये फॉर्म एलिमेंट बन चुका हुआ है। और नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जो कि वीएस कोड में अमिट के जरिए होता है, और इस पे मैंने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है कि आप अमिट को किस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक डिव बनानी है जिसको मैंने ये क्लास देनी है, तो मैं डायरेक्ट .mb3 और उसके अंदर अब मैंने एक लेबल बनाना है, लेबल यहाँ पे वैसे नहीं बनाना, मैंने एक बटन बनाना है, तो मैं बटन लिखूंगा और उसको मैंने क्लास देनी है btn, और साथ ही उसको क्लास देनी है btn प्राइमरी, और उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखना है सबमिट का, तो उसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करूंगा और एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एमिट ने मेरे लिए ये पूरा जो टेक्स्ट था HTML का वो लिख दिया, और फॉर्मेट के लिए अगेन मैं शॉर्टकट यूज कर लूंगा, आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि शॉर्टकट क्या है। ये मेरे लिए जो है वो ऑप्शन प्लस शिफ्ट प्लस F है इसका शॉर्टकट। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा और इसको मैं डेंजर पे सेट कर दूंगा बटन को, और ये रीसेट का बटन हो जाएगा, और इसकी मैं टाइप सबमिट रख दूंगा, और इसकी मैं टाइप रीसेट रख दूंगा। सेव, रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एंटर किया टेक्स्ट, रीसेट पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया, और ये सारा काम HTML ऑटोमेटिक कर रही है क्योंकि ये एक रीसेट टाइप का बटन है जो कि फॉर्म के अंदर है। अगर मैं यहाँ से फॉर्म को खत्म कर दूंगा, फॉर्म के एलिमेंट को, तो अब आप देखेंगे कि जो आगे फॉर्म के एलिमेंट की वजह से काम हो रहा था वो नहीं हो रहा। तो फॉर्म का एलिमेंट जरूरी एक चीज है जब आप फॉर्म्स बना रहे हो, और इसी तरह सबमिट का एलिमेंट बेसिकली जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसको अभी रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ये इस चीज को सबमिट कर देगा। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ओके। ये बेसिकली HTML फॉर्म का बाई डिफॉल्ट बिहेवियर है, हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ओवरटेक करेंगे, और इसी के साथ हमारी ऐप की जो बेसिक UI है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे इसके लॉजिक की तरफ।
नेक्स्ट, अब जो हम पहला काम करेंगे वो ये होगा कि यहाँ पर यूजर जब कोई भी डाटा लिखकर या बिना लिखे इस सबमिट फॉर्म बटन पे जब क्लिक करेगा तो जो डाटा यूजर ने लिखा होगा वो हम यहाँ पे कंसोल लॉग करवाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट काम है। उसके लिए मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल में आ जाऊंगा और इस चीज को अभी के लिए क्लियर करके रिफ्रेश करूंगा। ये क्लियर हो गया और इस फॉर्म को सबसे पहले एक्सेस करूंगा। हमारे HTML के पेज में या HTML की फाइल में सिर्फ एक ही फॉर्म है। मीन हम अगर चाहें तो इस टू डू फॉर्म को, मैंने इसको नाम दे दिया टू डू फॉर्म, और यहाँ पे मैंने जो नेमिंग कन्वेंशन यूज की वो मैंने यूज की है कैमल केस। कैमल केस कन्वेंशन क्या होती है? कैमल केस कन्वेंशन होती है कि जिसमें हर एक लफ्ज का बेसिकली स्टार्टिंग लेटर को छोड़ के, जो पहला वर्ड है उसको छोड़ने के बाद, बाद में जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि टू डू ये पहला लफ्ज था, इसमें कोई भी कैपिटल नहीं आया। उसके बाद फॉर्म ये दूसरा लफ्ज था, मैंने दोनों लफ्जों को मिला दिया और फॉर्म का जो एफ था उसको कैपिटल कर दिया। ये कैमल केस होता है। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हो या कॉन्स्टेंट्स हो या फंक्शंस हो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप कैमल केस को यूज करें, कॉन्स्ट फंक्शन ईटीसी, इनके लिए। ये हमारा टू डू फॉर्म है और मैं चाहता हूं कि ये इस फॉर्म को कैच करे या इसका रेफरेंस अपने अंदर स्टोर करे। तो जावास्क्रिप्ट में HTML एलिमेंट्स के रेफरेंस को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, वो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है। ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे स्टोर करवाऊंगा और कंसोल लॉग करवाऊंगा तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। सेव, रिफ्रेश, तो ये देखें ये पूरे डॉक्यूमेंट को इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है जिसमें HTML बॉडी हर एक चीज यहाँ पर आ रही है। मैं यहाँ पे वापस आऊंगा और किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है और जो रिकमेंडेड तरीका है वो ये है कि आप उसको एक आईडी असाइन कर दें। ये हमारा टू डू फॉर्म, इसको मैं आईडी दे दूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ये बेसिकली काफी जेनेरिक सा सिलेक्टर है जिसको आप ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट टैग नेम के साथ इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, जो भी उस टैग का नाम होगा। यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नल आ रहा है। नल का मतलब है कि कोई भी वैल्यू नहीं है। वो इस वजह से आ रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट पहले ही रन हो जाती है। उसकी वजह यह है कि ये हेड टैग में है, ये पहले ही चल जाती है और इस HTML को लोड होने का मौका ही नहीं देती। तो उसके आपके पास दो तरीके हैं। एक, आप इसके साथ डिफर का एट्रीब्यूट ऐड कर दें, सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि आप जो है वो फॉर्म एलिमेंट सिलेक्ट भी हो रहा है और यहाँ पे आ भी रहा है। दूसरा, ये जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि अपनी एक तो डिफर का एट्रीब्यूट भी ऐड कर दें और साथ में इसको मूव कर दें जो बाकी स्क्रिप्टें हैं उसके बाद, ताकि इन स्क्रिप्टों में अगर कोई काम हुआ है तो आपकी स्क्रिप्ट उसको एक तो ओवरराइड कर सके और आपकी स्क्रिप्ट फाइनल स्क्रिप्ट हो जो कि इस HTML डॉक्यूमेंट को चेंज कर रही हो। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा कस्टम जावास्क्रिप्ट, रिफ्रेश करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्म आ रहा है। मैं वापस आ जाऊंगा। अब हम इस सिलेक्टर को इम्प्रूव करेंगे क्योंकि ये जेनेरिक सिलेक्टर एक अच्छा सिलेक्टर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक और फॉर्म का टैग ऐड कर देता हूँ अपनी HTML की फाइल में तो मेरा ये जो कोड है ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले को सिलेक्ट कर रहा है, हालांकि अगर मैं चाहता था कि इस दूसरे को सिलेक्ट करें जिसको कि मैं आईडी दे देता हूँ फॉर्म टू, मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करें, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हमेशा पहले को सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर पहले एलिमेंट को पकड़ेगा और उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास है क्यूरी सिलेक्टर ऑल, रिफ्रेश करें और अब आप देख सकते हैं कि इसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ दूसरे को सिलेक्ट करना है। तो आप उसके लिए क्यूरी सिलेक्टर को यूज करेंगे और जो आईडी हमने उसको दी हुई है उस आईडी के थ्रू इसको सिलेक्ट करेंगे। आईडी सिलेक्टर होता है जैसे अब CSS में जो सिलेक्टर्स है ना, यहाँ पे अब सेम वही सिलेक्टर यूज होगा। और CSS में कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं और उनको कैसे कैसे उनकी सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, ये सारा मैं Zions के YouTube चैनल पे बता चुका हूँ। आप वहां पे जाके यहाँ पे आके सिलेक्टर लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि सिलेक्टर्स के ऊपर हैं। और इसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है क्योंकि CSS सिलेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वापिस आते हैं, आईडी के लिए हमारे पास ये हैश होता है, इसको मैंने किया और
ये अभी आईडी किसी के साथ भी मैच नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं नल आया कि कोई भी मैच नहीं किया, लेकिन मैंने इसको जो आईडी दी थी वो फॉर्म 2 है, तो मैं सिर्फ 2 लिखूंगा, सेव, रिफ्रेश, तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली दूसरे फॉर्म को सिलेक्ट कर रहा है। और इस फॉर्म में मैं थोड़ा सा डाटा ऐड कर दूंगा, कुछ भी डाटा ऐड कर दें ताकि आपको ये सिर्फ यूआई पे नजर आए, H1 यूज नहीं करते क्योंकि एक पेज में सिर्फ एक ही H1 यूज करना चाहिए। रिफ्रेश, तो अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म सिलेक्ट हो रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि जब भी आप CSS में या JavaScript में सिलेक्टर्स लिखें तो वो स्पेसिफिक सिलेक्टर होने चाहिए। स्टाइलिंग के लिए जो सिलेक्टर हो वो क्लास सिलेक्टर ज्यादा प्रेफर किया जाता है ताकि आप एक क्लास को बार बार यूज करके सेम स्टाइल ज्यादा एलिमेंट्स पे असाइन कर सके। लेकिन JavaScript में जब एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो तो फिर आईडी सिलेक्टर प्रेफर किया जाता है ताकि जो स्पेसिफिक एलिमेंट है सिर्फ वही सिलेक्ट हो और कोई सिलेक्ट ना हो। यहां पे अब मैं इस टू डू फॉर्म पे आ जाऊंगा, ये रही इसकी आईडी, ये रिफ्रेश करूंगा और अब ये फॉर्म जो मुझे फॉर्म चाहिए वही आ रहा है। अब मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि जब मैं इसको सबमिट करूं तो ये जो मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये देखें यहां पे अगर मैं कुछ लिखता हूं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो लिखा हुआ था वो गायब हो गया। ओके, वंस अगेन मैंने यहाँ पे कुछ भी कंसोल में लिखा, जब भी ये पेज रिफ्रेश होगा यहाँ पे देखें मैं अगर ऐसे रिफ्रेश करता हूं तो वो गायब हो गया, तो इस पर क्लिक करने से भी ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जब यूजर इस पर क्लिक करे तो ये पेज रिफ्रेश ना हो। उसका जो तरीका है वो ये है कि हम यहां पे आ जाएंगे और इस पर एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ये सबसे बेसिक सा तरीका है। और इवेंट लिस्नर का जो नाम है वो है सबमिट, और यहां पर इवेंट आ जाएगा हमारे पास और ये ऐसे आ गया। और अभी बेसिकली मैं इसको कंसोल लॉग करवा सकता हूं या फिर अलर्ट करवा सकता हूं ताकि जो फॉर्म सबमिटेड पेज स्टॉप हो जाए अपनी जगह पर। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें फॉर्म सबमिटेड आ गया और यहां पे अभी पेज रिफ्रेश नहीं हुआ क्योंकि इस अलर्ट ने इस पेज की एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर दिया। मतलब जब तक मैं इस ओके को प्रेस नहीं करूंगा और कोई भी काम नहीं होगा। मैं वो आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे मैं कंसोल लॉग लिखता हूं, कंसोल डॉट लॉग 1, और इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग 2 लिख देता हूं और इसको अभी ओके कर देता हूं, रिफ्रेश करता हूं और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो ये देखे 1 यहां पे आ गया लेकिन 2 नहीं आया क्योंकि इस अलर्ट ने जावास्क्रिप्ट को या इस पेज को स्टॉप कर दिया। मैं कुछ भी और काम नहीं कर सकता, ये देखें रीसेट, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पेज रिफ्रेश भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा लेकिन थोड़ी सी देर के लिए 2 आया और रिफ्रेश पेज हो गया, इस वजह से वो 2 गायब हो गया। कंसोल क्लियर हो जाती है जब पेज रिफ्रेश करते हैं। ये पुराना तरीका है, जो नया तरीका है वो बेहतर भी है और मुझे पसंद भी है, तो हम वो यूज करेंगे। और ये बेसिकली इसका जो कलर है वो मैंने एक और एक्सटेंशन की हुई है उसकी वजह से चेंज हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से बेसिकली वो टू डू लफ्ज को देखता है, टू डू लफ्ज अगर हो तो उसका कलर चेंज कर देता है। मैं यहाँ पे फिर इसको ही लिखूंगा डॉट ऑन सबमिट। ये बेसिकली जरा नया तरीका है कि हम इवेंट बता रहे हैं कि कौन सा इवेंट, ये फॉर्म है इसके ऑन सबमिट पे ये फंक्शन काम करना चाहिए। और यहाँ पे मैं अब ये एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं। ओके, ये एरो फंक्शन का तरीका है। यहाँ पे बेसिकली मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे इवेंट हमारे पास आएगा और यहाँ पे वंस अगेन हम अलर्ट लगा के देख लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता, फॉर्म सबमिटेड 2, क्योंकि यहाँ पे सबमिटेड यूज किया था। रिफ्रेश करते हैं, सबमिट किया और 2 आ गया, मतलब ये तरीका हमारा चल रहा है। अब जो पेज रिफ्रेश है उसको रोकने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कंसोल लॉग लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ये देखिए वो आता है कंसोल लॉग और चला जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि वो कंसोल लॉग यहीं पे रहे, मतलब ये पेज रिफ्रेश ना हो, तो उसका जो तरीका है वो ये है कि ये जो इवेंट हमारे पास आया है इस पे हमारे पास एक तरीका होता है, एक जो मेथड है वो है डॉट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसको कॉल कर दें, सेव करेंगे, रिफ्रेश करूंगा, सबमिट करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये यहीं पे रहा है और पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, बेसिकली इस इवेंट का जो भी जावास्क्रिप्ट वालों ने डिफॉल्ट बिहेवियर लिखा है उसको प्रिवेंट कर देता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता, ये तरीका ये करता है।
लेकिन जावास्क्रिप्ट में कभी भी आप किसी भी चीज पे डायरेक्ट डॉट लगा के कोई ऑपरेशन ना के दिएगा, उसमें एरर आ सकता है। कैसे एरर आ सकता है? लेट्स से कि मैंने गलती से यहाँ पे इवेंट की बजाय वीवेंट कुछ भी लिख दिया गलत, और उस पे मैंने ये प्रिवेंट डिफॉल्ट लिख दिया, टाइपो मिस्टेक होगी मेरे से। अब जब मैं इस पे रिफ्रेश करके ये क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एक तो एरर भी आया, ऊपर से पेज भी रिफ्रेश हो गया। तो कभी भी इस तरह के आपने काम नहीं करना कि डॉट लगा के किसी मेथड को कॉल कर रही है इस तरह का कोई काम। इस तरह का कोई भी काम करने के लिए आपने सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और फिर बेसिकली जो आगे डॉट लगा के उसका मेथड या जो भी चीज है वो करनी है। सेम इसके लिए कंसोल को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप कंसोल में भी वो लगा दें, लेकिन कंसोल क्योंकि ग्लोबली अवेलेबल है, ये ब्राउजर में भी अवेलेबल है, नोड जेएस में भी अवेलेबल है, तो इसमें बहुत कम मसला आता है अंटिल अनलेस कि आप ई को खा जाएं, तो वो आपकी टाइपो मिस्टेक है। यहाँ पे इसमें भी डॉक्यूमेंट में भी मसला आ सकता है कि अगर इसको मैं नोड जेएस में इस कोड को चलाऊंगा तो उसमें डॉक्यूमेंट नहीं होगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करता हूँ तो अभी भी एरर इसकी वजह से आया है। अब मैं चाहता हूं कि अगर इस लाइन की वजह से एरर आए भी तो बाकी कोड एटलीस्ट जरूर चले, तो उसका तरीकाकार यह है कि मैं इसका जो एरर है उसको ब्राउजर की तरफ नहीं जाने दूंगा, उसको खुद कैच कर लूंगा। तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार है ट्राई कैच का, इसमें लिख दूंगा और रिफ्रेश करूंगा, सबमिट, और अब आप देख सकते हैं कि ये चल गया। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप जो भी जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो उसको ट्राई कैच में लिखें, ताकि अगर कोई एरर आए और कैच के ब्लॉक में एरर को कंसोल एरर करवा दें, ताकि आपको पता भी लग जाए कि भाई आपके कोड में कोई एरर आया। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो भी वीन इज नॉट डिफाइंड, और वो बात सही कर रहा है कि ये मैंने कहीं पे डिफाइन नहीं किया। मैं इसको खत्म कर दूंगा और ये एक्चुअल कोड को ट्राई कैच में मूव कर दूंगा, रिफ्रेश, सबमिट, और अब आप देख सकते हैं कि कोड सही चल रहा है। अब हम एक्चुअल काम की तरफ आते हैं, जो कि ये था, जो भी यहाँ पे यूजर ने लिखा हो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो ये मेरी वैल्यू मैं यहाँ से पकड़ लूं, इस फील्ड को क्लियर कर दूं और उस वैल्यू को यहाँ पे कंसोल लॉग करवा दूं। उसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं, टू स्टॉप फॉर्म फ्रॉम रिफ्रेशिंग द पेज। ओके, ये इसके लिए काम है। अब नेक्स्ट मैंने काम करना है, मुझे इस फील्ड का डाटा चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसको एक आईडी असाइन करूंगा, जो कि मैंने पहले ही असाइन की हुई है, टू डू कंटेंट, और इसका एक रेफरेंस बना दूंगा, टू डू कंटेंट, और इसको सेम इसी के साथ यूज करूंगा और सिर्फ सिलेक्टर चेंज कर दूंगा। वंस अगेन आईडी है तो आईडी सिलेक्टर उसके लिए हैश यूज करेंगे। ये आ गया हमारे पास, और इस कंसोल लॉग को मैं खत्म कर दूंगा, इसको रहने दूंगा ये आपके रेफरेंस के लिए। और अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट में बड़ा ही आसान सा तरीका है, टू डू वैल्यू, ये मैंने एक कांस्टेंट बना लिया, और इसको डॉट वैल्यू, ये चीज मुझे चाहिए, और सिर्फ वैल्यू लिखना, और इस वैल्यू को मैं यहां पर कंसोल लॉग करवा दूंगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहां पर मैंने लिखा एहसन, सबमिट, और आप देख सकते हैं कि एहसन यहाँ पे आ गया। एक चीज रह गई, इसकी वैल्यू को क्लियर करना, तो अगर हम डॉट लगा के इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं तो हम उसके आगे इक्वल लगा के उसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। ये तरीका, ये इनपुट और टेक्स्ट एरिया पे चलता है, बाकियों पे नहीं चलता, हर एक का अपना अपना तरीका है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे करते हैं ज़ायोंस, सबमिट, और आप देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू क्लियर होगी और वैल्यू नीचे आ गई। मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू को निकाला, इसमें स्टोर करवाया, उसकी वैल्यू को कंसोल लॉग या जो भी उसके साथ करना था वो किया, और एंड पे उसकी वैल्यू को रीसेट कर दिया या नया सेट कर दिया खाली वैल्यू पे। ये हमारा ऑलमोस्ट आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हमने बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन थोड़ी सी देखी है, जिसमें कि हम फॉर्म को गेट किया है, बटन को गेट किया है, बटन को हमने गेट नहीं किया, हमने इस टेक्स्ट एरिया को गेट किया है, उसकी वैल्यू को गेट किया और उसकी वैल्यू को सेट किया है। इसी तरह और भी जावास्क्रिप्ट में काफी ज्यादा मेथड्स हैं, जो कि हम बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट का फुल डिटेल कोर्स कर रहे होंगे तो उसमें क्लियर करेंगे, लेकिन इसके थ्रू, इस सिंपल तरीके के थ्रू आप बेसिकली काफी ज्यादा काम कर सकते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा एप्स बना सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक और फील्ड एड कर देते हैं,
ताकि आपको ये पता चल जाए कि दो फील्डों के साथ कैसे काम करना है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि कैटेगरी, कैटेगरी मैं ऐड कर देता हूँ, टू डू कैटेगरी, और उसको लेट से मैं सेट कर देता हूँ एक सिलेक्ट पर आपकी आसानी के लिए, और ऑप्शन उसमें क्रिएट कर देता हूँ सिलेक्ट कैटेगरी, टू डू कैटेगरी, जिसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ एम्प्टी, और उसके बाद वर्क, पर्सनल और जो भी आपने और ऐड करना हो और अदर, और वैल्यू मैं सेट कर दूंगा वर्क, पर्सनल और अदर, और लास्टली एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा फील्ड्स मैं आपको करके दिखा दूंगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। टू डू कैटेगरी, और इसको मैं आईडी असाइन कर दूंगा टू डू कैटेगरी, और दैट्स इट, और इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, और इस चीज़ को भी रिक्वायर्ड कर दूंगा मैं। लास्ट में ये जो मैंने ऐड किया है इसको मैं कर दूंगा इज एक्टिव। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चेकबॉक्स को आपको शो करवाना चाह रहा हूँ, दैट्स इट, और इसकी जो वैल्यू है मैं वो चेंज कर दूंगा इनपुट टाइप चेकबॉक्स पर, और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा विजिबल या फिर इज ऑन, और इसे आईडी दे दूंगा टू डू इज एक्टिव, और सेम आईडी मैं इसको दे दूंगा दूसरे वाले को ऑफ लेट्स से, और बेसिकली मैंने क्योंकि सिर्फ इसको ऑन ऑफ करना था वो मैं रेडियो बटन की तरफ चला गया, और डिफॉल्ट मैं इसका चेक्ड जो है वो वन कर दूंगा ताकि ये चेक्ड हो जाए। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ चेक्ड का ये एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे तो ये चेक्ड हो जाएगा, अगर ये नहीं ऐड करेंगे तो ये चेक नहीं होगा। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये भी चेक नहीं है, यहाँ पे चेक का एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये चेक हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए हमने ये ऐड कर लिया है और ये चीजें ऐड कर ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब सबमिट करूँ, सबसे पहले सबमिट करके देखते हैं ये भी रिक्वायर्ड है, और अगर इसको करता हूँ सबमिट करता हूँ तो ये भी रिक्वायर्ड है, और इस चीज को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड, सॉरी रीड ओनली नहीं, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, रिफ्रेश, सबमिट, इसको अनचेक करता हूँ, इसमें लिखता हूँ ये इसको कह रहा है और ये इसको कह रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ और इन तीनों की वैल्यू जब प्रोवाइड कर चुका हूँ तो तब ये सबमिट होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी हो गया, और उन तीनों की वैल्यू मुझे यहाँ पे नीचे एक ऑब्जेक्ट में कंसोल लॉग हो जाए। तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इन तीनों को आईडीज लगी हुई हैं, मैं इनकी आईडीज को सिर्फ पकड़ूंगा, यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट कर लूँगा, टू डू इज एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और साथ ही इसकी कैटेगरी टू डू कैटेगरी, वंस अगेन यहां पे कंटेंट, इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा टू डू कंटेंट वैल्यू, और इसको मैं दो तीन दफा रिपीट कर लूंगा, टू डू कैटेगरी और टू डू is active. Okay, और इन सब की मुझे वैल्यू यहाँ पे बेसिकली यहाँ था, इन तीनों की मुझे वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, टू डू ऑब्जेक्ट obj, या फिर आप पूरा ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं जैसे आपको सही लगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कंटेंट में मैं स्टोर करवा लूंगा उसका कंटेंट, कैटेगरी में मैं स्टोर करवा लूंगा उसकी कैटेगरी, और इज एक्टिव में मैं स्टोर करवा लूंगा ये, और इस चीज को मैं कंसोल लॉग करवा लूंगा। लास्टली मैं इन चीजों को अनसेट भी कर दूंगा, और ये होगा चेक्ड।
और बेसिकली ये यहाँ पर इसके ऑन ऑफ से नहीं होना, क्योंकि ऑन ऑफ हमारा तब यूज होना था जब ये रेडियो बटन होना था। यहाँ पे ये 0 1 देगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम वैल्यू पे ही रहते हैं, सेव और फॉल्स। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये पर्सनल सबमिट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू ऑन दे रहा है। और मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसके बिना इसको अनचेक करके सबमिट नहीं कर सकूंगा। यहाँ पे पर्सनल किया, यहाँ पे डाटा एड किया, अनचेक किया, सबमिट किया, तो आप देख सकते हैं ये रिसेट हो गया, ये रिसेट हो गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी भी ऑन आ रही है। हालांकि ये बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे ये चेक डाना था। रिफ्रेश, ये वर्क, और ये देखें फॉल्स। ओके, और अगर मैं ट्रू करके करता हूँ कुछ वैल्यू और यहाँ पे वर्क कर देता हूँ सबमिट, तो ये ट्रू आ रही है। ओके, तो ये चेक्ड का वैल्यू जो है, इसकी प्रॉपर्टी है, वो ट्रू हो जाती है जब ये यहाँ पे चेक हुआ हो, और फॉल्स हो जाती है जब चेक ना हुआ हो। और एंड पे मैं फॉल्स कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि ये अनचेक हो जाएगा जब हम सबमिट करवाएंगे, यहाँ पे डाटा को सबमिट करवाएंगे तो ये अनचेक्ड हो जाएगा। ओके, जो के बेसिकली मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू को नहीं, चेक्ड को ही फॉल्स सेट करना पड़ेगा। तो वो एक गलत था। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफा। अदर दिस, ये अभी चेक्ड है सबमिट, और आप देख सकते हैं अनचेक हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको अनचेक पे सेट करवा दिया। हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टू डू का डाटा है वो सारा आ गया। अब नेक्स्ट हमने ये डाटा जो है लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। यहाँ पे ये जैसे आप फाइल देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जब हम कोई डाटा स्टोर करवाएंगे वो यहाँ पे शो होने लग पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लोकल स्टोरेज में डाटा गेट कैसे करते हैं, उसमें सेट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, और डिलीट कैसे करते हैं। ये पहले देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारे लिए काफ़ी काम आसान हो जाएगा। लोकल स्टोरेज में कोई भी चीज़ सेट करवाने के लिए, क्योंकि जब सबसे पहले हम सेट करवाएंगे तभी गेट कर सकेंगे। सेट डाटा इन लोकल स्टोरेज, उसके लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है लोकल स्टोरेज का। इस पे आपने डॉट सेट आइटम करना है। ओके, स्पेलिंग्स वगैरह प्लीज देख लेने हैं। और सेट आइटम में अब आपने दो चीजें इसको बतानी है, एक अपनी की का नाम के किस नाम से, वेरिएबल समझ ले या जो भी, आपने इसको एक कांस्टेंट किस नाम से डाटा स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ key 1। ओके, और अब डाटा क्या स्टोर करवाना है। और डाटा यहाँ पे जैसे कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, डाटा लोकल स्टोरेज में आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं। आप नंबर स्टोर करेंगे तो वो भी होना स्ट्रिंग की फॉर्म में है। आप ट्रू फॉल्स स्टोर करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगा। आप ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही स्टोर होगा। ऑब्जेक्ट बेसिकली आपको जेसन स्ट्रिंगिफाई करके स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं, इट्स, और इसको स्केप करवा लूंगा मैं यहाँ पर, इट्स वर्किंग। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवाया, सेव किया, यहाँ पे आके अब रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने नाम रखा था की का, वो की आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आया कैसे हूँ, मैंने बेसिकली राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, वहां से एप्लीकेशन के टैब में, और वहां से ये साइड बार में लोकल स्टोरेज का टैब है, उसको एक्सपेंड कर लेना। अगर वो कोलैप्स हो तो एक्सपेंड कर लेना है। और आपकी ये, क्योंकि ये फाइल है, मैंने डायरेक्ट फाइल ओपन की थी, इस वजह से यहाँ पे ये फाइल लिखा हुआ है। अगर कोई वेबसाइट का नाम होगा जायोंस वगैरह, तो उसका वेबसाइट का नाम आ रहा होगा। और यहाँ पे की बता रहा है कि key 1 लिखी हुई है, और उसकी वैल्यू इट्स वर्किंग है। हम यहाँ पे साथ में दो तीन और की स्टोर करवा के देखते हैं। key 2, इसको मैं कह देता हूँ कि ये 100 है, या फिर मैं 100 ऐसे स्टोर करवाता हूँ, ताकि आप देख सकें कि होता गया। key 3, इसको मैं फॉल्स कह देता हूँ। key 4, इसमें मैं ऑब्जेक्ट स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ, और उसमें मैं कह देता हूँ कि वट एवर K1 90 99, और लास्टली एक अरे भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे सारे डाटा सेट कंप्लीट हो जाएंगे। S1 S2, सेव। और यहाँ पे आके
रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा जो था वो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे डेटा नहीं शो कर रहा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे भी उसकी एक्चुअल वैल्यू, और जो अरे थी वो कॉमा सेपरेटेड स्टोर हुई है, जो फॉल्स था वो एज अ स्ट्रिंग फॉल्स स्टोर हो गया, जो 100 था वो भी एज अ 100 स्ट्रिंग स्टोर हो गया। इसको मैं गेट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अब शो कैसे होता है। तो सबसे पहले ये सेट वाला हम कमेंट कर देंगे, नहीं तो ये बार बार सेट करता जाएगा। और अब गेट डाटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, उसके लिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट, और लोकल स्टोरेज का मजा ये है, इसका फायदा क्या है इसमें काम करने का, कि यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूं, जो मर्जी करूं, इसको क्लोज करके दोबारा ओपन कर लूं, तो लोकल स्टोरेज में जो चीज सेट कर दी थी वो सेट ही रहेगी। मेमोरी में आपको पता है कि यहाँ पे अगर कुछ लिखा है रिफ्रेश करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, लोकल स्टोरेज का ये फायदा है कि वो सेट रहेगा जब तक कि मैं इस साइट को लोकल स्टोरेज को क्लियर नहीं कर दूंगा। लोकल स्टोरेज अगर क्लियर करूंगा उसके तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आके यहां से लोकल स्टोरेज क्लियर कर दूं, अब ये डाटा गायब हो गया, यहां फिर दोबारा सेट करवा के दोबारा सेट किया, कमेंट किया, यहां पे साइट का डाटा क्लियर कर दूं तब भी लोकल, और यहां से लोकल स्टोरेज चेक दो तब भी लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगा, यहां फिर प्रोग्राम के थ्रू लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर ये कर दूं तब भी लोकल स्टोरेज, ये देखें अभी है डाटा, रिफ्रेश करूंगा गायब हो जाएगा। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे क्लियर हो जाता है लोकल स्टोरेज का डाटा। ओके, अब गेट करते हैं, सबसे पहले सेट दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि अब कुछ भी सेट नहीं रहा, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेट नहीं, रिफ्रेश किया सेट हो गया, फिर कमेंट कर दिया रिफ्रेश वो वहीं पे है। और गेट करने के लिए होपफुली आपने गेस किया होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और किस आइटम को गेट करना है, सेट करते वक्त हमने की के साथ स्टोर करवाया था, गेट करते वक्त जो सी की का डाटा चाहिए उस की के साथ हम डाटा गेट कर लेंगे। रिफ्रेश करेंगे, अभी गेट किया लेकिन इस डाटे को कोई स्टोर नहीं मैंने करवाया, सिर्फ मैंने गेट करके कुछ भी नहीं उसके साथ किया, रिफ्रेश करूंगा कुछ भी नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, या तो मैं किसी चीज में स्टोर करवा लूं, लोकल स्टोरेज की 1 उसमें स्टोर करवा के उसको कंसोल लॉग करवा लूं। ओके, इस तरह करने का क्या फायदा होगा कि मैं अगर बाद में इसके साथ कुछ करना चाहूंगा तो मुझे बाद में फिर गेट करने की जरूरत नहीं है, एक चीज में उसकी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू के साथ जो मर्जी करता हूं, या फिर मैं डायरेक्टली उस चीज को पकड़ूं और लोकल स्टोरेज के फंक्शन को पास करवा दूं टू कह के, क्योंकि इसने वैल्यू रिटर्न कर दी है, अब उस वैल्यू को आप कहीं पर स्टोर करवाओ या फिर किसी फंक्शन को पास कर दो, ये आपकी सर्विस है। रिफ्रेश, इट्स वर्किंग, और ये 100। और मजे की बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं करता हूँ टाइप ऑफ, जो कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है किसी चीज की टाइप चेक करने की, तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग आ रहा है, हालांकि जब मैंने स्टोर करवाया था नंबर करवाया था। और सेम अगर मैं इस ऑब्जेक्ट 4 के साथ करता हूं जो कि एक ऑब्जेक्ट था, तो वो भी स्ट्रिंग ही आएगा। ओके, लेकिन यहां पे अगर मैं इसको डाटा को गेट करता हूं, इसको रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि वो डाटा खराब हो चुका है, मैंने स्टोर क्या करवाया था K1 ये वाली वैल्यू, और मुझे आया क्या है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने कहा था कि जब लोकल स्टोरेज में आपने ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है तो उसको json.stringify करना है। ऑब्जेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट होता है और अरे भी ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होती है, तो इन दोनों को json stringify करवाएंगे तभी काम चलेगा। इन दोनों को अभी मैं नहीं करता, और यहाँ पे अरे को भी निकाल के दिखा देता हूँ, वो आप देखेंगे कि एज अ सिंपल 1-लाइन स्ट्रिंग हो गई है, लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपरली सेट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू अभी है ये स्ट्रिंग ही, अभी ये स्ट्रिंग ही है। ये देखें, मैं इसको एक और लाइन पे करके इसको कमेंट कर देता हूं क्योंकि मैंने उसको सेट कर दिया अपडेटेड वैल्यू को। ये देखें कि अपडेटेड वैल्यू अब स्टोर कैसे हुई है, ये देखो स्ट्रिंग और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे मतलब यहाँ पे शो हो रही थी उसी तरह जेसन स्ट्रिंगीफाई इस पूरी चीज को पकड़ के एक स्ट्रिंग बना देता है, लेकिन अब मुझे उसका डाटा एक्चुअल फॉर्म में चाहिए, मतलब कि मैं अगर इसकी टाइप ऑफ करूं तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वो कैसे होगा, जिस चीज को आप जेसन स्ट्रिंगिफाई करें उसको बाद में आप जेसन पार्ट्स कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब क्योंकि मैंने जेसन पार्ट्स करना है, मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा एक जगह पे, लोकल स्टोरेज की 4 उसकी वैल्यू और लोकल स्टोरेज की 4 डाटा, उसको मैं
जेसन डॉट पार्स कर दूंगा। पार्स उल्टा काम करता है स्ट्रिंगीफाई से, स्ट्रिंगीफाई स्ट्रिंग बनाता है और पार्स जो स्ट्रिंग होती है उसको जेसन में या ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। और इसको अगर मैं करूंगा तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। और उसकी अगर मैं यहाँ पे टाइप को चेक करूंगा तो आप देखेंगे कि वो भी ऑब्जेक्ट होगी। इसी तरह हम इसको भी करेंगे, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली जेसन पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। रिफ्रेश और आप ये भी अब अरे हो गई है, 01 इंडेक्स आ रहे। तो हमारा ये काम हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हमने ये देख लिया, इसको अपडेट कैसे करना है ये देखना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आप दोबारा उसी की पे डाटा सेट करवा दें। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये दो चीजें हैं, मैं यहाँ पर एक तीसरी चीज ये ऐड कर देता हूँ। ये देखो पहले डाटा सेट होगा, बाद में यहाँ पे गेट होके शो होगा, तो इस वजह से सेट होके शो हो जाएगा। लेकिन ये सेट करते वक्त ध्यान रखना है, अगर पुराना डाटा इंपॉर्टेंट है तो आप पहले पुराने डाटा को गेट करोगे, उसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और नई लोकल स्टोरेज आ जाए, इसको मैं कर लेता हूँ। और उसमें हर दफा जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो उसमें गिनती ऐड होती जाए, ठीक है। मतलब अभी वन है, फिर रिफ्रेश और कंसोल लॉग वन हो, फिर रिफ्रेश करूं तो टू हो जाए, थ्री हो जाए, फोर हो जाए, फाइव हो जाए, सिक्स हो जाए, इस तरह होता जाए। तो सबसे पहले यहां पे मैं इसको सेट करूंगा सिक्स पे और इस चीज को मैं कमेंट आउट कर दूंगा और इसको यहां पे करूंगा सिक्स और इस चीज को भी कमेंट आउट कर दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। रिफ्रेश ये, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब जब रिफ्रेश करूं टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। ऊपर कॉन्स्ट लोकल स्टोरेज की सिक्स, उसके जो डाटा है उसको लोकल स्टोरेज डॉट गेट वैल्यू और कौन सी की नंबर सिक्स। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, स्ट्रिंग होना चाहिए, कोई भी नाम हो सकता है, एसन वन टू व्हाटसोएवर, जो मर्जी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे सिर्फ की वन टू थ्री कह रहा हूँ। इसकी वैल्यू मैं लेके आई, ये अभी स्ट्रिंग है, सबसे पहले इसको डाटा में कन्वर्ट करना है। की डाटा कैसे होगा, जेसन डॉट पार्स, ये हो गई। अब ये मेरे पास डाटा आ गया और ये अरे है और मुझे यहाँ पे मतलब वन टू थ्री, क्योंकि मैंने इस तरह चालू किया तो बहुत आसान है। मैं यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले इसका जितनी वैल्यूज है वो सारी डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये जितनी वैल्यूज होंगी इस अरे में डाल देगा। और उसके बाद इसकी लेंथ में, जो कि जारी बात है अभी वन होगी, एक एलिमेंट था तो एक लेंथ होगी इसकी, उसमें प्लस वन कर दूंगा तो टू हो जाएगा। नेक्स्ट जब आएगा तो ये पहले वन और टू को डिस्ट्रक्ट कर देगा इस अरे में और उसकी लेंथ टू होगी, उसमें प्लस कर देगा, थ्री एड हो जाएगा। तो ये मेरा एंड रिजल्ट जो मुझे चाहिए वो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जितना मैं करता जाऊंगा। और ये लॉजिक जो होता है ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, लॉजिक आपने खुद सोचना है कि अच्छा कैसे होगा। जो कोर्सेज होते हैं, जो वीडियोस होती हैं, वो सिर्फ आपको चीजों का बता सकती हैं कि अच्छा सेट नेम एक आइटम है उससे सेट होगा, गेट एक नाम है फंक्शन का जिससे गेट होगा, और अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि रिमूव कैसे होगा। तो उसके लिए, रिमूव के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पे वापस आऊंगा, लोकल स्टोरेज फोर पे रिफ्रेश करूंगा तो ये लोकल स्टोरेज है, मैं आप इसका डाटा रिमूव करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज है वो है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और इसमें जो की को रिमूव करना है, की फोर है। अब यहाँ पे ये आइटम रिमूव हो जाएगी, अब ये इसका जो वैल्यू गेट करने की कोशिश करेगा, मैं यहाँ पे आपको कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं करना, कंसोल लॉग, और उससे पहले इसको खत्म रिमूव नहीं करता। रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं इसने पहले स्ट्रिंग लिया था, वो स्ट्रिंग इसने जेसन पार्स को दिया था और वो फिर डाटा बन चुका था। अब मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूं, उसके बाद गेट करने की कोशिश करूंगा तो ये या तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा या नल रिटर्न करेगा और नल को फिर ये जेसन पार्स में सेंड करेगा, जो कि वैलिड काम नहीं है, जो कि नल ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये डाटा, अब सिर्फ हमारा लास्ट एक छोटा सा काम रह गया वो ये है, और लास्टली मैं एक दफा लोकल स्टोरेज को क्लियर कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी कुछ ऐड कर दिया लोकल स्टोरेज में, तो मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज क्लियर करूंगा, दैट्स इट, इसको ये करूंगा और लोकल स्टोरेज क्लियर होगी। अब
मैं ये काम चाहता हूं कि जब भी मैं सबमिट करूं इसका डाटा पकड़ूं और उसको बेसिकली एक आइटम क्रिएट करा दूं, ओके। और अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना काम करूंगा कि इसमें जो आइटम का बेसिकली जो कंटेंट होगा वो शो करवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो शो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डाटा हमारे पास शो इस तरह हो रहा है, सॉरी ऐसे डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं नाम शो करवाऊंगा और आगे बेसिकली ये वाली सिंबल यूज करके कैटेगरी को सिर्फ लिख दूंगा जो भी उसका नाम होगा, और फिर आगे ये वाली सिंबल यूज करके इज एक्टिव अगर होगा तो मैं इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा, और अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स लिख दूंगा। ये काम मैं करूँ, सबसे पहले इस चीज को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये आपके पास रेफरेंस के लिए रह जाए, और यहां से अब मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा नीचे से, और अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसका डाटा एक्चुअली गेट करके यहाँ पे नीचे लोकल स्टोरेज में पहले सेट करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पे शो करवाएंगे। यहाँ पे अब डाटा हमारे पास पहले ही गेट हो रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब भी हम डाटा करते हैं ये काम हम पहले कर चुके हैं, सबमिट डाटा गेट हो रहा है, और इसको मैं अगर फॉल्स रह के भी करूंगा तो वो भी डाटा गेट हो रहा है। नेक्स्ट अब जो मैंने काम करना है वो ये है कि ये जो डाटा गेट हो रहा है इसको मैंने एक अरे के अंदर, क्योंकि जारी बात है टू डूज 100-200 बंदा ऐड कर सकता है, तो जब भी सेम टाइप का डाटा हो, एक ही तरह का डाटा लेकिन तादाद ज्यादा होती जाए, तो हम अरे के अंदर उस चीज को पहले उसकी एक अरे बनाते हैं और उस अरे को जेसन स्ट्रिंगिफाई करके लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाते हैं। मतलब जो काम होगा सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि हम ऑलरेडी बना रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की का एक अरे बनेगा जिसमें कि ये टू डू आइटम्स होंगे, बहुत ज्यादा टू डू आइटम्स होंगे, ये मैं अरे में डालता जाऊं और वो अरे एट द एंड लोकल स्टोरेज में सेट हो जाएगी, स्टोर करवा लेंगे और उसको हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे इतना काम हो रहा है, इसकी मैं अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि बेसिकली जो लोकल स्टोरेज में है टू डू आइटम्स उनको गेट करूँगा कॉन्स्ट, या फिर जो जावास्क्रिप्ट में अच्छा काम होता है ना वो ये होता है कि आप अलग-अलग फंक्शंस बनाओ। अभी के लिए पहले मैं एक फंक्शन में सारा काम करके दिखा देता हूँ, बाद में इसको अलग फंक्शंस में डिवाइड करेंगे। गेट यहाँ पे सॉरी टू डूज फ्रॉम लोकल स्टोरेज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज, ये मैंने इसको की का नाम दे दिया। और जारी बात है एक चीज मैंने सिर्फ यहां पे चेक करनी है कि अगर ये टू डूज नल है, ठीक है, अगर ये टू डूज नहीं है, अगर ये टू डूज नहीं ना होंगे उसका चेक करने का तरीका है एक्सप्लेनेशन, ये जो साइन है ना शिफ्ट वन, इसके साथ जब आप करेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई ये जो डाटा आया ना ये नल है, नल अनडिफाइंड, कोई भी फॉल्स वैल्यू होगी तो वो ट्रू में हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्योंकि ये फॉल्स थी तो इसलिए मैं पहले इसको लेट में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि मैं इसको रीअसाइन कर सकूं, और यहां पे मैं इसको असाइन कर दूंगा एक एम्प्टी अरे, मेरे पास अरे आ गई। अब इस अरे में मैं इसको पुश कर दूंगा किस चीज को, इसको मैंने इस डाटा को पुश कर दिया। अब मैं एक इस अरे की टू डूज स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रिंग बना लूंगा कैसे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो कि इसके साथ स्ट्रिंग बनेगी, और ये डाटा एट द एंड मैं लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा दूंगा। स्टोर यहां सेट आइटम की मैंने कौन सी देनी थी, ये की, और इसमें ये डाटा आ जाएगा ये। और वंस अगेन अगर ये बेसिकली अगर ये नल नहीं है तो एल्स केस आएगा, मतलब इसमें ये स्ट्रिंग था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चीज को जेसन पार्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जेसन डॉट पार्स, ये चीज, उस चीज को पार्स कर दो क्योंकि यहां पे मैं स्ट्रिंग करवा के स्टोर करवा रहा हूँ। सेव करता हूं और अब आप देखोगे कि जब मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं और वर्क कह के कहता हूं टू डू वन एक्टिव सबमिट, तो यहां पे एक टू डू सेव हो गया, कैटेगरी वर्क कॉन्टेंट टू डू वन इज एक्टिव टू। अब मैं पर्सनल कह के डोंट, यहां फिर वेरी गुड वीडियो, थोड़ी तारीफ कर लेते हैं अपनी,
इज एक्टिव फॉल्स कर लेते हैं सबमिट, तो आप देख सकते हैं कि उसमें ऐड हो गया, डन है। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया कि यहाँ पे डाटा शो करवाना है। पहले उस काम को रिफ्रेश पे करते हैं। रिफ्रेश पे आपने कोई भी काम करना हो तो आपके पास एक तरीका है, विंडो डॉट ऑन लोड, सॉरी ऑन लोड। सबसे पहले इसको चला के देख लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं। ओके, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं। रिफ्रेश, तो ये देखें ये चल रहा है, मतलब रिफ्रेश पे वो चल रहा है, ठीक है। अब रिफ्रेश पे मैंने करना क्या है, मैंने ये काम सारा दोबारा करना है, जिसमें कि मैं, मुझे टू डूज चाहिए, मेरे पास टू डूज आ गए, ये मेरे पास टू डूज आ गए, और अब इन टू डूज को मैंने यहाँ पे सेट करवाना है इस तरह से। इनको मैं खत्म कर दूंगा और इसको भी खत्म कर दूंगा, यहाँ पे कंटेंट आएगा, इसको मैं सेव कर लूंगा। ये चीज मुझे वहां पे बनानी है इसमें, और इसको बेसिकली मैं आईडी दे दूंगा टू डू लिस्ट कॉम, या फिर ठीक है इसको मैं कौन कह देता हूं, क्योंकि कौन फॉर कंटेनर, और इसको मैं लिस्ट कह देता हूं, ताकि क्योंकि ये लिस्ट एक्चुअल, और यहां पे इसका एक सिलेक्टर बना लेते हैं, कॉन्स्ट टू डूज लिस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर दिस, और इसमें मैंने इसको ऐड करना है। सबसे पहले मुझे एक एल आई, एक न्यू एल आई आइटम बनानी पड़ेगी, तो मैं करूंगा टू डू आइटम, जो कि होगी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। किस टाइप का एलिमेंट, एल आई एलिमेंट बनाना है। ये एलिमेंट बन गया, इसको मैं एड क्लास कर दूंगा, इसमें क्लास लिस्ट डॉट एड, और कौन सी क्लास मैंने ऐड करनी है, ये वाली क्लास ऐड करनी है, ये मैंने क्लास ऐड कर दी, और अब इसकी वैल्यू ऐड करनी है डॉट एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल, वो मैं इसका, या फिर आप इनर टेक्स्ट भी कह सकते हैं, दोनों चीजें चलेंगी। इनर एच टी एम एल में जारी बात है, अगर कोई एच टी एम एल आपने रखनी है तो, और टेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, हर एक इंडिविजुअल टू डू का जो कंटेंट है वो आएगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप जो कि आई फॉर इंडेक्स, इसकी लेंथ पे होगा, टू डू की लेंथ पे, और ये टू डू जो टू डू एलिमेंट है, या फिर इसको टू डू एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट कहते हैं, और इसको टू डू आइटम कहते हैं, डन। और इस कोड को यहां पे मूव कर देते हैं, और यहाँ पे टू डू आइटम डॉट, सॉरी टू डू आइटम का आई कैपिटल आएगा, कैमल केस यूज करना है, और यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया था कि हम कंटेंट कह के सेव करवा रहे हैं वो, और एक चीज मैंने बताई थी कि डॉट कभी भी इस तरह यूज ना करें इसके बिना, ताकि एरर ना आए। ये चीज हो गई, और ये लूप चलेगा, और सारा डाटा इस तरह बना के ये आइटम बन गया, लेकिन इस आइटम को इस लिस्ट में एम्बेड भी करवाना है, डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड, ये रिफ्रेश करते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि अभी एरर आ गया है, अरे सॉरी यहां पे अरे नहीं थी आनी, यहां पे टू डूज आने, रिफ्रेश, और अब आप देख सकते हैं टू डू वन और वेरी गुड। और मैं यहां पर अगर एक और टू डू ऐड करता हूं, सबसे पहले इनका जो आगे वाला टेक्स्ट है वो भी ऐड कर लेते हैं, ये कंटेंट इनर टेक्स्ट में आप एचटीएमएल यूज नहीं कर सकते, तो मैं इसको वंस अगेन, ये मेरी एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, यहां से अगर स्पेस ऐड कर दूंगा, टू डू का वर्ड एक साथ होगा तो वो ऐसे कलर को कर देता है, इसको इनर एचटीएमएल कहूंगा, ओके। और यहां पे जो भी मैंने इनर एचटीएमएल बनानी है उसको बेसिकली मैं बना दूंगा, और इनर एचटीएमएल को आप इस तरह बैकटिक्स में यूज करें। पहले एक करके देख लेते हैं, H3 ऐड करते हैं, और उसमें बेसिकली ये कंटेंट, पहले इतना करके देख लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं, रिफ्रेश, और देख रहे हैं कि HTML अप्लाई हो गई है। अब मैंने करना क्या था, स्पैन यूज करना था, ओके, और उसके बाद मैंने ये लगाना था, और स्पैन के अंदर मैंने क्या कहना था, इसका कैटेगरी, रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं वर्क आ गया। लास्टली मैंने उसको कहा था कि मैं वो लगाऊंगा इज एक्टिव और इक्वल टू, यहाँ पे अब मैंने ट्रू या फॉल्स शो करवाना है, तो उसके लिए वंस अगेन मैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही मुझे मिलेगा इज एक्टिव में, तो उसको मैं यहाँ पे ये बेसिकली
टर्शनरी ऑपरेशन यूज कर लूंगा, टर्नरी कंडीशन, जिसके लिए मैं कहूंगा कि अगर ये ट्रू है तो मैं ट्रू यूज कर लूंगा और अगर फॉल्स है तो फॉल्स यूज कर लूंगा। रिफ्रेश और आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स आ रहा है। और मैं यहाँ पर एक और आइटम ऐड करता हूँ अदर में, जिसको मैं कह देता हूँ वर्किंग फाइन, एग्जेक्टिव ट्रू, सबमिट। सबमिट पे क्लियर हो गया लेकिन मैं इसको अपडेट नहीं करता, रिफ्रेश पे अपडेट करूंगा तो वो हो गया। अगर आपने सबमिट पे इसको अपडेट भी करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना काम करेंगे कि इस लॉजिक को पकड़ेंगे जो मैं कह रहा था कि फंक्शंस बनाने चाहिए, और सॉरी, और इस लॉजिक को मूव कर देंगे एक फंक्शन में, अपडेट डिस्प्ले यूआई या फिर अपडेट टू डूज यूआई, उसको एक एरो फंक्शन में बना दूंगा जिसमें ये काम हो रहा होगा और इसको ऑन लोड पे मैं ये एरो फंक्शन कॉल कर दूंगा एक जगह पे, और जब ये सारा सबमिट होने के बाद ये रीसेट हो जाएगा, इसके बाद भी मैं सेम फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब की बात, अब आप देखेंगे कि जब मैं एक ऑन लोड पे इसको कॉल करना था तो यहाँ पे कॉल कर देंगे, रिफ्रेश, और थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, ओ सॉरी, बेसिकली मैं ये अपडेट यहाँ, सॉरी, इनिशियलाइज यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ और पहले कॉल कर रहा हूँ, तो ये गलती थी। इसको नीचे सिर्फ मूव कर देंगे और इस चीज को भी इसके ऊपर मूव कर दूंगा ताकि यहाँ पे भी एरर होपफुली ना आए, रिफ्रेश, और ये सही हो गया। और अब आप देखेंगे कि वर्क, इट्स फिनिश, इज एक्टिव ट्रू, सबमिट करूंगा और साथ ही वो आइटम ऐड भी हो गया। और लेकिन यहाँ पे अब एक गलती हुई है कि उसने जितने आइटम्स थे टू डूज के उसको डुप्लीकेट कर दिया, जो कि यहाँ पे गलत है। टू डूज के आइटम यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं थे होने चाहिए, टू डूज के आइटम बेसिकली हमारे सिर्फ वही स्टोर होने चाहिए थे जो कि हमने नए ऐड किए, और उसके लिए मैं यहाँ पे देख लूंगा टू डू आइटम स्टोर हुआ, यहाँ पे टू डूज को मैंने गेट किया और इसको मैं एक दफा कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश, ओके 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 ओके। बेसिकली मसला ये हुआ है, हमारे डाटा ठीक है लेकिन यूआई में ज्यादा ऐड हो गए थे, और तो उसका तरीकाकार ये है कि जब भी टू डू आइटम की यूआई आप कॉल करें तो आप ये जो ये है मतलब टू डूज की लिस्ट उसको क्लियर कर दें, डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू खाली, ओके, रिफ्रेश, और अब आप पर्सनल करें, कुछ भी ऐड करें, सबमिट, और सिर्फ एक आइटम ऐड हो, दैट्स इट। आपको आपका पर्सनल टेस्ट है कि यहाँ पर बेसिकली डिलीट का सिर्फ बटन ऐड करके, ओके, उसके क्लिक पे जो स्पेसिफिक आइटम हो उसको अरे में से रिमूव करवाना है आप यूज करेंगे, जारी बात है अरे डॉट उसका इंडेक्स निकालेंगे और उसको स्पेसिफिक आइटम से रिमूव करवाएंगे। जब आपके पास वो हो जाएगा तो आपके पास एबिलिटी होगी कि आप एडिट का बटन भी ऐड कर सकें और उस पर जब क्लिक करें तो वो यहाँ पे सिलेक्टेड यूआई में आ जाए और ये बटन अपडेट हो जाए। यहाँ पहले आप सिर्फ और सिर्फ डिलीट की यूआई को करें और कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइएगा कि आप उस चीज को अचीव कर सके कि नहीं कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों चीजों को पर्सनली करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चीज को हम किस तरह कर सकते। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.